तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कलरफुल वेज कटलेट। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और आप इसको उनके टिफिन बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वेज कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बीट रूट लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, थोड़े से बीन्स है जिसको भी बारीक कट कर लिया है, कैरेट और फ्रेश ग्रीन मटर। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और 2 बड़े साइज के आलू है जिसको मैंने बॉईल कर लिए है और मैं इसको अभी ग्रेट कर लूंगी। अभी इस तरह से आलू को भी मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिए है। अभी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेंगे। अभी ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें सौंफ डाल दूंगी, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और अभी एक एक करके हम अपनी सारी सब्जियों को इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। मटर को हम थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, यहाँ पर मैं इसमें ग्रीन मटर को डाल दूंगी और इसको भी इसके साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अभी इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी जो वेजिटेबल्स है अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें अभी पोटैटो ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था और अभी इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। अभी सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। अभी हम इन मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से अभी इसको मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। ऊपर से मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और जब तक ये ठंडा होता है हम अपने ब्रेड के स्लाइसेस को रेडी कर लेंगे। ब्रेड के चारों कॉर्नर को हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और ये जो ब्रेड के साइड्स को हमने कट करके निकाले हैं इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जार में डाल के इसको ग्राइंड करके हम इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के ब्रेड को भी कट कर लूंगी। अभी यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड के साइड्स को कट करके रेडी कर लिया है। अभी आलू का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो ठंडा हो चुका है। अभी इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके हम इसको कटलेट का शेप दे देंगे। अभी इस तरह से राउंड करके चपटा कर लूंगी और इसका जो सेंटर पार्ट है वहां पे छोटा सा चीज का स्लाइस रख के इसको बंद कर दूंगी। इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। और इस तरह से इसको शेप दे देंगे। और इसी तरह से अभी मैं बाकी के कटलेट को भी रेडी कर लेती हूँ। और अभी मैंने कटलेट्स को बना के रख लिए हैं। अभी इसको ब्रेड से रैप करेंगे। अभी यहाँ पर एक प्लेट में मैंने इस तरह से पानी ले लिया है। हम ब्रेड के स्लाइसेस को लेके हल्का सा इसमें डीप करेंगे। इसको पानी में छोड़ना नहीं है, जैसे हम पानी में डालेंगे इसको तुरंत ही निकाल के इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ लेने हैं। और अभी हम जो कटलेट बना के रखे थे उसको सेंटर में रख के इस तरह से रैप कर देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। सभी साइड से इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि ये ऑयल में फ्राई होने के टाइम ओपन ना हो। ये अच्छे से रैप हो चुका है। अभी मैं इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में डाल के इसको इस तरह से रोल कर दूंगी। ब्रेड के कॉर्नर को कट करके हमने निकाले थे उसी कॉर्नर से ही मैंने इस ब्रेड क्रम्स को रेडी किया है। अभी इस तरह से दोनों साइड से ऐसे करते हुए हम इसको शेप दे देंगे और सारे कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने सारे कटलेट्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, अभी ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें अपने कटलेट को जो है डालते जाएंगे। हमारा ऑयल जो है बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। जैसे ही कटलेट हम इसमें डालेंगे, हमको इसको पलटना नहीं है, हम इसको एक साइड से अच्छे से होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको पलट के दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। अभी हम इसको धीरे से इस तरह से रोल करते हुए पलट लेंगे और एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ब्रेड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है तो इसको हल्के से ही हम पलटेंगे। और अब ये दोनों साइड से अच्छे से हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। और अभी हमारा गर्मा गर्म वेज कटलेट जो है बनकर रेडी है। मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।